बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज जो हम लोग मसल्स पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली फोर आर्म के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स, या जो मैंने आपको कल भी बताया था कि फोर आर्म की जो पोस्टीरियर सरफेस है, जो हेयरी सरफेस है, वहां पे जो मसल्स मौजूद है उनको हम स्टडी करने लगे हैं। जैसे आपके सुपरफिशियल कंपार्टमेंट, जैसे आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट या फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में दो तरह के मसल्स थे, सुपरफिशियल मसल्स और डीप मसल्स। बिल्कुल वैसे ही एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में भी दो तरह के मसल्स हैं, यानी कि सुपरफिशियल मसल्स जो कि सुपरफिशियली लाए कर रहे हैं और डीप मसल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग पहला ग्रुप जो देखने लगे हैं वो है आपके सुपरफिशियल मसल्स। ओके, सो द वेरी फर्स्ट मसल दैट वी आर गोइंग टू डू इज लेबल्ड हियर एनकोनियस। ये ग्रीन कलर में यहाँ पे शो किया। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि फोर आर्म के सर कंपार्टमेंट के जो सुपरफिशियल मसल्स थे वो ऑरिजिनेट कर रहे थे मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। बिल्कुल वैसे ही आपके एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स का जो ओरिजिन है वो कॉमन है, और मेजोरिटी मसल्स ओरिजिनेट कर रहे हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। तो एनकोनियस जो है वो लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से अराइज करता है और नीचे जाके बच्चे इंसर्ट हो जाता है लेटरल सरफेस ऑफ ओलिक्रेनन प्रोसेस पे। ठीक है, ओलिक्रेनन प्रोसेस आपको पता है कि अल्ना का पोस्टीरियरली होता है और ह्यूमरस के साथ उसका कॉन्टेक्ट आ रहा होता है, तो उसकी लेटरल सर्फेस पर जाके ये इंसर्ट हो जाएगा। एनकोनियस मसल का बच्चे बेसिकली काम है कि ये एक्सटेंसर है एल्बो जॉइंट का, ये आपको याद होना चाहिए। सेकेंड मसल है बच्चे एक्सटेंसर कार्पाइरेडियलिस लॉन्गस, जो कि अराइज कर रहा है। आप ये देखें सबसे पहले कि ये ह्यूमरस की सुपरा कॉन्डाइलियल रिजेज हैं। ठीक है, एपिकॉन्डाइल से ऊपर की तरफ जो रिजेज होती है उनको हम मीडियल और लेटरल सुपरा कॉन्डाइलियल रिजेज कहते हैं। तो जो आपकी लेटरल सुपरा कॉन्डाइलियल रिज है इसके लोअर 1/3 से अराइज करता है एक्सटेंसर कार्पाइरेडियलिस लॉन्गस मसल। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म में सुपरफिशियली ट्रेवल करता है और लेटरली, और नीचे जाके बच्चे इंसर्ट हो जाता है आपकी सेकेंड मेटाकार्पल बोन की पोस्टीरियर सर्फेस पे। ये आपने याद रखना है, और पोस्टीरियर सर्फेस पे बेसिकली उसकी बेस पे इंसर्ट हो रहा है। इसी तरह बच्चे आपका जो अपर 2/3 होता है लेटरल सुप्राकॉन्डाइलियल रिज का, वहां से ऑरिजिनेट करता है ब्रेकियो रेडियलिस, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। एक्सटेंसर कार्पाई जो रेडियलिस लॉन्गेस्ट मसल है बच्चे, इसका काम है कि ये एक्सटेंड करवाता है और एबडक्ट करवाता है हैंड को रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर। नेक्स्ट मसल है बच्चे आपका एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस, और आप ये देख सकते हैं बहुत क्लियरली कि एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस भी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से अराइज कर रहा है। नीचे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता है और जाके इंसर्ट हो जाता है बच्चे पोस्टीरियर सरफेस पे थर्ड मेटाकार्पल की, यानी कि उसकी बेस पे। ठीक है, ये आपने इसका कंसेप्शन याद रखना है, और इसका भी बच्चे यही फंक्शन है कि ये एक्सटेंड करवाता है और अबडक्ट करवाता है हैंड को रिस्ट ज्वाइंट के ऊपर। नेक्स्ट है बच्चे एक्सटेंसर कार्पायल नेरिस मसल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंसर कार्पायल नेरिस मसल भी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से अराइज कर रहा है, नीचे की तरफ ट्रेवल डाउन करता है और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन की बेस पे जाके इंसर्ट हो जाता है, यानी कि बेसिकली उसकी पोस्टीरियर सरफेस पे। इसके फंक्शन की बात की जाए तो ये एक्सटेंड करवाएगा रिस्ट ज्वाइंट को, लेकिन ये एबडक्ट नहीं करवाता बल्कि ये एडक्ट करवाता है। जो आपके रेडियलिस लॉन्गस और रेडियलिस ब्रेविस थे वो बच्चे आपके रिस्ट ज्वाइंट को और बेसिकली हैंड को एबडक्ट करवा रहे थे, हैंड को, ये आपका एडक्टर है हैंड का। उसके बाद बच्चे आपका जो सबसे मैसी मसल है, सबसे ज्यादा जिसका मैस है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल मसल्स में, वो है आपका एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, जो कि अराइज कर रहा है लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। ये क्लियरली शोन है, आपको शो हो रहा है इसकी बहुत बड़ी बेली है। ठीक है, नीचे की तरफ बच्चे जब ये आता है तो ये फोर टेंडन्स के अंदर स्प्लिट कर जाता है, और जब ये स्प्लिट करेगा तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि इसकी इंसर्शन जो है वो मिडल फेलेंजेस के ऊपर होती है। तमाम जो आपकी मिडल फेलेंजेस है उनकी बेस पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ डिजिट की मिडल फेलेंजेस के ऊपर जाके ये इंसर्ट हो जाता है। ये बेसिक आपको इसका इंसर्शन पता होना चाहिए। ठीक है, साथ इसकी कुछ एक्सटेंशन जो है वो डिस्टल डिजिट तक भी जाती है स्लिप्स की फॉर्म के अंदर। बच्चे फंक्शन की बात की जाए तो आपके फिंगर्स के ऊपर जो ज्वाइंट है इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, उनका ये एक्सटेंसर है। ग्रुप में से जो लास्ट मसल है दैट इज एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई भी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से अराइज करता है, नीचे की तरफ बच्चे ट्रेवल डाउन करता है और ये जाके इंसर्ट हो जाता है एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर के अंदर। जो इसका ओरिजिन है आप ये देखिए इस पिक्चर के अंदर भी क्लियरली बोन के ऊपर इसका, सॉरी, इंसर्शन जो है वो क्लियरली बोन के ऊपर नहीं शो किया गया।
अब ये एक्सटेंसर एक्सपेंशन क्या होती है, आपके जितने भी मसल्स हैं एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर, बेसिकली जब वो हैंड में जाते हैं तो वो एक एक्सपेंडेड सी प्रोटेक्शन बनाते हैं, कोलेजिनस कोलेजन की बनी हुई एक एक्सपेंशन बनाते हैं जो कि हैंड को प्रोटेक्ट करता है और हैंड की ग्रिप को भी इम्प्रूव करता है, वो एक्सटेंसर एक्सपेंशन कहलाता है। मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वहां पे उसके अंदर ये मर्ज हो जाता है और उसी के अंदर इसका इंसर्शन है, ठीक है। और अगर बच्चे फंक्शन की बात की जाए तो एक्सटेंसर डिजिटाई में निमाए मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट के ऊपर लिटिल फिंगर को एक्सटेंड करवाता है। ये मसल बच्चे एमसीक्यूज में हर दफा आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मसल है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। खास तौर पे इस मसल का नाम है ब्रेकियो रेडियलिस है। इसका फंक्शन मैं पहले ही डिफाइन कर दूं कि ये फ्लेक्सर है फोर आर्म का एट एल्बो ज्वाइंट, जबकि अभी जो हम मसल्स पढ़ रहे हैं ये एक्सटेंसर मसल्स हैं, और हमने इस ब्रेकियो रेडियलिस मसल को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में इसलिए स्टडी करना है क्योंकि ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म से पास करता है, हालांकि ये एल्बो ज्वाइंट के ऊपर फ्लेक्शन करवाता है और मिड प्रोन पोजिशन भी कॉज करवाता है हैंड की। तो इसके ऑरिजन की अगर बात की जाए तो मैंने पहले जिक्र किया था कि आपकी जो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज है इसके अपर टू थर्ड से ये अराइज करता है, जबकि लोअर वन थर्ड ऑफ लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस अराइज करता था। ब्रेकियो रेडियलिस अपर टू थर्ड से अराइज करने के बाद नीचे की तरफ ट्रेवल करता है और जाके जो आपकी रेडियस बोन है इसके स्टाइलॉइड प्रोसेस की बेस के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। डीप कंपार्टमेंट के मसल्स की बात की जाए तो पहला मसल जो हम स्टडी करने लगे हैं दैट इज सुपिनेटर मसल। आप लोग इसको बच्चे क्लियरली देखिए कि ये रेडियस बोन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो इसका ऑरिजन है वो भी लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से है, साथ ही साथ बच्चे यहाँ पे एन्यूलर लिगामेंट प्रेजेंट होती है जो कि रेडियल बोन को सराउंड करती है। रेडियस बोन का जो हेड होता है इसके अराउंड एक लिगामेंट होती है नोन एज एन्यूलर लिगामेंट, जिसकी अटैचमेंट बच्चे रेडियल नॉच ऑफ अल्ना के ऊपर होती है। अल्ना के ऊपर एक नॉच होती है, वहां पे वो लिगामेंट अटैच होती है और रेडियस बोन को सराउंड करती है। जब मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगा तो भी मैं स्टडी करवाऊंगा। ये जो बच्चे मसल है ये इन दोनों स्ट्रक्चर से अराइज करता है और नीचे जाके बच्चे इंसर्ट हो जाता है अपर वन थर्ड ऑफ रेडियस पे, ठीक है, अपर वन थर्ड और साथ ही साथ नेक ऑफ रेडियस पे जाके ये इंसर्ट हो जाता है। नाम बच्चे फंक्शन इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये सुपीनेटर है, बेसिकली फोर आर्म का ये सुपीनेट करवाएगा फोर आर्म को, खास तौर पे जब एल्बो एक्सटेंडेड होगी। योर वेरी नेक्स्ट मसल इज एब्डक्टर पोलिसस लॉन्गस, जो कि बच्चे आपकी पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना और रेडियस से अराइज कर रहा है, नीचे की तरफ जाके तकरीबन मिडल में अराइज करता है और नीचे जाके बच्चे इंसर्ट हो जाता है इनटू द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन, ठीक है, पोस्टीरियर सर्फेस के ऊपर ही, एक्सटेंसर सर्फेस के ऊपर ही, बेसिकली बोन की सर्फेस को पोस्टीरियर कहेंगे, उसी की फर्स्ट मेटाकार्पल की ही बेस के ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है। और इसका फंक्शन जो है नाम से ही पता चल रहा है कि ये एबडक्ट करवाएगा और एक्सटेंड करवाएगा थंब को। उसके बाद बच्चे आपका मसल आता है एक्सटेंसर इंडेक्सिस। एक्सटेंसर नाम से पता चल रहा है कि ये इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगा, बेसिकली इंडेक्स फिंगर की मूवमेंट करवाएगा। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से अराइज करता है लोअर हाफ टू लोअर वन थर्ड के अंदर और बच्चे जाके इंसर्ट और शाफ्ट ऑफ जो अल्ना है उसके लोअर वन थर्ड टू लोअर हाफ के अंदर अराइज करता है और इंसर्ट हो जाता है बच्चे जाके एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ इंडेक्स फिंगर में। ये आपने याद रखना है, जैसे हम लोगों ने एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाए का पढ़ा था, और फंक्शन इसका यही है कि ये मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट पे इंडेक्स फिंगर की एक्सटेंशन करवाता है, जैसे एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाए जो कि सुपरफिशियल मसल है वो भी आपके मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट पे लिटिल फिंगर की एक्सटेंशन करवा रहा था। नेक्स्ट मसल है एक्सटेंसर पॉलिसस ब्रेविस, जो कि बच्चे आप क्लियरली देख सकते हैं कि रेडियस बोन की शाफ्ट की पोस्टीरियर सर्फेस से अराइज कर रहा है और नीचे जाके प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ जो थंब है उसके ऊपर जाके इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। पॉलिसिस का वर्ड जो है वो हम थंब के लिए यूज करते हैं और लोअर लिम के अंदर हमारा जो बिग टो है उसके लिए हम लोग हेलुसिस का वर्ड यूज करते हैं। दोनों वर्ड्स को मिक्स नहीं करना, अक्सर बच्चे हेलुसिस का वर्ड अपर लिम में या पॉलिसिस का वर्ड लोअर लिम में यूज करते हैं, उनको जीरो नंबर मिलेगा क्योंकि आपने एनाटॉमी चेंज कर दिया। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस का काम है मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट के ऊपर थंब की एक्सटेंशन करवाना। लास्ट मसल है बच्चे एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। आपने ये डिफरेंस मेरा याद रखना है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे कोट करवा रहा हूँ कि जो आपका एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल है ये रेडियस बोन की शाफ्ट से अराइज करता है और जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल है
ये अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस से उसकी शाफ्ट से अराइज करता है, ठीक है। जो ब्रेविस है वो प्रॉक्सिमल फेलिंग्स पे जाके इंसर्ट हो रहा है, जबकि आपका जो एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस है वो आपकी डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब के ऊपर जाके इंसर्ट हो रहा है, और इसका काम है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब को एक्सटेंड करवाना, ठीक है, यानी कि इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट जो है आपका थंब का उसको एक्सटेंड करवाना। ये थे आपके बचे फोर आर्म के एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के मसल्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा हैंड के मसल्स पे होगा।